शुरू करते हैं। तो स्प्रिंग का डिस्कशन चल रहा था, स्प्रिंग पेंडुलम का, और हॉरिजॉन्टल ले लें या फिर वर्टिकल ऑसिलेशन ले लें, दोनों में जो टाइम पीरियड है वो ये है, और ये ग्रेविटी पे डिपेंडेंट नहीं है, लिफ्ट में भी नहीं बदलेगा, अर्थ से कहीं और लेके जाओगे तो नहीं बदलेगा, किसी और प्लैनेट में लेके जाओगे तो नहीं बदलेगा, और लिक्विड में डिप करोगे तो भी नहीं बदलेगा। लिख लो, ये नहीं बताया था उस दिन। लिक्विड में भी सेम रहेगा, फटाफट लिख लो उस पॉइंट को, फिर आगे बढ़ेंगे। एक सेकंड बता रहा हूं। अच्छा, अब इसमें एक स्टेटमेंट लिखो, स्टेटमेंट ये लिखो, स्प्रिंग कांस्टेंट, स्टेटमेंट लिखो, स्प्रिंग कांस्टेंट depends on the natural length of spring. Spring constant depends on the natural length of spring. Spring constant जो होता है वो natural length पे depend करता है और कुछ ऐसे करता है, मतलब अगर आप spring को cut करोगे तो k बढ़ जाएगा। This L is the natural length. फटाफट लिखो। करो मैं बताऊं कैसे होगा। श्वेता भी मैंने अभी चालू किया है और मैं ये बता रहा हूं कि जो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट वो स्प्रिंग की लेंथ पे डिपेंड करता है। अगर मैं लेंथ को कट कर दूंगा तो स्प्रिंग कांस्टेंट चेंज हो जाएगा। तो स्प्रिंग कांस्टेंट का लेंथ से रिलेशन है के इज प्रोपोर्शनल टू 1/L। तो क्वेश्चन था टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग पेंडुलम इज टी, द स्प्रिंग इज कट इन टू पार्ट्स विद लेंथ रेशियो 1:2, लेंथ रेशियो 1:2, फाइंड द टाइम पीरियड विद स्मॉलर पार्ट। तो मैं जानता हूं टी बराबर 2 पर रूट एम बाई के, ये तो हो गया।
अब मैंने कट कर दिया तो के अपॉन के वन लिख देता हूं, टू पार्ट्स में किया तो पार्ट वन का मैं पहले जिसका स्मॉलर पार्ट है उसका मैं निकालूंगा, तो लेंथ रेशियो 1:2, तो छोटी वाली लेंथ L/3 और ओरिजिनल लेंथ L, सो K1 = 3K, तो मैं यहाँ पे अब जाके सब्स्टिट्यूट करूंगा। देयरफॉर दिस इज द टाइम पीरियड विद द स्मॉलर पार्ट। लिख लिया हो तो बताइएगा। लिख लिया सर। अब ऐसे अगर लगा होता है तो सीरीज में कहलाता है और इसका इफेक्टिव कांस्टेंट होता है 1/K1 + 1/K2। कैसे निकाला सर? सपोज करो इसका एक्सटेंशन X1 है, इसका एक्सटेंशन X2 है और ये M, इसकी इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट सपोज K, तो टोटल एक्सटेंशन इसमें इसके बराबर हो गया, ठीक है ना? आप देखो मैं निकालता हूं, MG बराबर K2X2 और यहाँ पे K2X2 = K1X1, ठीक है सर? ये बात तो समझ में आ गई। यहां चलो अब X1 की जगह लिखा MG/K1, MG/K2, लिख लो स्प्रिंग्स इन, ऐसे जब स्प्रिंग्स जुड़ती हैं तो हम बोलते हैं दे आर इन सीरीज, और उसका इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट 1/K = 1/K1 + 1/K2। लिख लिया हो तो बताइएगा। लिख लिया सर। लिखो स्प्रिंग्स इन पैरेलल, स्प्रिंग्स इन पैरेलल,
ऐसे अगर स्प्रिंग्स को जोड़ दिया जाए तो वो पैरेलल कनेक्शन कहलाता है, और इसका जो इफेक्टिव के आएगा वो आएगा K1 + K2। ये भी पैरेलल है और बेटा इसको भी पैरेलल ही लिया जाता है, दिस इज ऑल्सो पैरेलल एंड दिस कनेक्शन इज ऑल्सो पैरेलल। लिख लो कैसे आया, तो समझ उसकी जरूरत नहीं कि कैसे बना, आप तो लिख लो बस ये दोनों पैरेलल कनेक्शन है। लिख लिया हो तो बताइएगा। लिख लिया सर। ठीक है, अब इसमें सवाल देखो दो तीन तरीके के ही होते हैं। इसमें टाइम पीरियड निकालो, इसमें टाइम पीरियड बताओ। करो, सॉल्व करो। इसमें पहले ये दो पैरेलल में आ गए और उसके बाद पैरेलल फिर वो सीरीज हो गया, तो इससे निकल आएगा। इसमें तीनों सीरीज पैरेलल में है, सॉरी ये दो पैरेलल, तो ये ऐसे करके सॉल्व करोगे तो फॉर्मूला बन जाएगा। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो। टाइम पीरियड, टाइम पीरियड विद स्प्रिंग पेंडुलम कैपिटल टी, टाइम पीरियड विद स्प्रिंग पेंडुलम कैपिटल टी। द स्प्रिंग इज कट इन एन इक्वल पार्ट्स, द स्प्रिंग इज कट इन एन इक्वल पार्ट्स। And all parts are in pa spring is cut in n equal parts. All parts are connected in parallel. All parts are connected in parallel. Find the टाइम पीरियड।
करो। आपका फोन बज रहा है शायद। बताओ बच्चों कितना आएगा? अच्छा टी बाय रूट एन। अब पहले आपने एन इक्वल पार्ट्स में काटा, तो पहले एक पार्ट का तो हो गया एन के, सबको पैरेलल में जोड़ दिया एन स्क्वायर के। कितना बोले थे बेटा, बोलो मेरे को। शुभी क्या बोले थे अपन सर? इम्पॉर्टेंट है। अच्छा सॉल्व करो। अब आपने सीरीज में जोड़ा, इफेक्टिव हो गया, तो नया टाइम पीरियड हो गया, ऐसे लिखा आपने। अब आपने इसका स्क्वेयरिंग करा, तो बेटा लिख लो ये आंसर, याद ही कर लो। इसका बी पार्ट लिख लिया तो बता देना बेटा।
लिख लिया सर। इसका बी पार्ट, व्हाट इज द टाइम पीरियड इफ, व्हाट इज द टाइम पीरियड इफ स्प्रिंग्स आर इन पैरेलल। करो पैरेलल हो गया, इसको फिर ऐसे करो रिवर्स लेके। के ठीक है बेटा, तो K1 की जगह आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लेना। तो लिख लिया यस सर। स्प्रिंग मैंने करा दिया, सिंपल पेंडुलम मैंने करा दिया। अब मैं कुछ स्पेशल केसेस लेता हूं। स्पेशल केसेस में 4-5 हैं जो ले सकता हूं। फ्लोटिंग सिलेंडर, सपोज एक सिलेंडर फ्लोट कर रहा है और इतना भी इक्विलिब्रियम, दिस इज द मीन और इक्विलिब्रियम पॉइंट। प्रेस करोगे तो ऑसिलेशन होने लगेंगे, तो मैं बताता हूं। अभी तो ये और ऊपर बॉयंट फोर्स बराबर है, ए इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये तो अब थ्रस्ट आ गया। अब आपने इसको थोड़ा सा नीचे कर दिया, तो अब ऊपर का जो बॉइंट फोर्स होगा एच नॉट प्लस एक्स इंटू एरिया इंटू डीएलजी माइनस एमजी, ये आपका नेट फोर्स हो रहा है। इसको देखोगे तो ये ए डी एक्स के प्रोपोर्शनल, देयरफॉर एसएचएम is equal to mass into acceleration और इसमें आप अभी थोड़ा और लिख सकते हो। पहले इतना लिख लो, पहले इतना लिख लो, ये मीन पॉइंट था, दिस वॉज द मीन पॉइंट। फिर मैं आगे इसका एक और फॉर्मूला याद कर लेना।
लिख लिया हो तो बताना। लिया एम ब्लॉक का मास है, ठीक है। अब इस तुमने यहां देखो, ऊपर ये एक चीज देखो, यहां पे इसको पहले लिख दूं, नीचे एम जी बराबर, एम जी किसके बराबर था, एरिया एच नॉट डी एल जी, ठीक है। तो ये कटा मास ऑफ द ब्लॉक क्रॉस सेक्शन एरिया मीन जितने में वो अंदर था, सॉरी एच नहीं, एच तो रहेगा, एम एरिया डी एल, एम एरिया डी एल। इज इक्वल टू एच नॉट, ये लो बेटा टाइम पीरियड लिखो। एच नॉट मतलब वो सिलेंडर की डेप्थ इन द मीन और इक्विलिब्रियम पोजीशन। लिख लिया हो तो बता दीजिएगा। लिख लिया सर। YouTube, टाइम पीरियड ऑफ लिक्विड इन YouTube। ये लिक्विड भरा हुआ है, सेम क्रॉस सेक्शन लेना है, प्लीज ध्यान रखें, सेम क्रॉस सेक्शन के लिए प्रूव होगा। सेम क्रॉस सेक्शन, सपोज करो ये लिक्विड की लेंथ है L, अभी जो पूरा भरा हुआ है इसमें। अब मैंने ऊपर से इसको नीचे करा बाय एक्स, ये ऊपर चला गया बाय एक्स, 2x का एक्स्ट्रा वजन आ रहा है, जो वजन लाएगा 2x इंटू डी एल इंटू एरिया इंटू जी, 2x इंटू एरिया वॉल्यूम हुआ लिक्विड का, तो बेटा ये फोर्स हो गया जो नीचे ला रहा है। तो फोर्स देखो आप x के प्रोपोर्शनल है, SHM हो गया, इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। जो मास है लिक्विड का वो एरिया ऑफ द ट्यूब इनटू एल इनटू डेंसिटी। करो
सर इसमें एफ का डायरेक्शन किधर होगा उस तरफ? तुम बताओ बेटा, ये इसको अगर लिक्विड के ऊपर उठा दोगे तो नीचे ही होगा यार, ये वजन ज्यादा है ना, इधर ही होगा ऐसे करके। लिख लिया? यस YouTube हो गया। अच्छा अब एक और देखो, ये एक प्लेटफॉर्म है म्यूएस। इस प्लेटफॉर्म और इसके बीच में ये ऐसे ऑसिलेट कर रहा है विद सिंपल हार्मोनिक SHM ओमेगा। दिस इज द मीन प्लेटफॉर्म ऑसिलेट कर रहा है। करो बताता हूं, पहले बना लो। शुरू करो समझाना। यस सर। अब देखो, ये प्लेटफॉर्म ऑसिलेट हो रहा है तो टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग है, स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। तो एक्सट्रीम पर एक्सीलरेशन मैक्सिमम होता है। सपोज करो ये एक्सट्रीम पर आ गया और ऑब्वियसली फ्रिक्शन टुवर्ड्स मीन लगेगा क्योंकि एक्सीलरेशन इधर है। तो अब मेरे को फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो मुझे पता है,
म्यू एस इंटू नॉर्मल, तो ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन हो सकता है, ज्यादा ना हो, एम ओमेगा स्क्वायर ए। तो मैंने एम्पलीट्यूड पूछ लिया, अगर वो ओमेगा पूछता और ए दिया होता तो दिस इज, और एक्सट्रीम पर फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा होगी तो वो रिक्वायरमेंट स्टैटिक फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू से कंपेयर कर दिया, सॉल्व कर दिया। लिख लिया? यस सर। ये प्लेटफॉर्म है और ये एसएचएम कर रहा है विद लेट से एम्पलीट्यूड ए और एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, और ये वेइंग मशीन पे खड़ा हुआ है। डायग्राम बना लो, फिर मैं क्वेश्चन देता हूं। Find किसका कॉल था, जल्दी आ गया आज। फाइंड फाइंड द रीडिंग ऑफ मशीन एट द, फाइंड द रीडिंग ऑफ द मशीन एट द एक्सट्रीम्स, एट द एक्सट्रीम्स। टॉप पे और बॉटम पर मुझे वेट उसकी रीडिंग पता करनी है, तो चलो मैं पहले बॉटम पे देखता हूं क्या स्थिति बनी। नॉर्मल एम जी तो मीन की तरफ होता है एक्सेलरेशन, तो नॉर्मल माइनस एम जी इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो नीचे की तरफ जो रीडिंग आएगी वो एन वन डिवाइडेड बाई जी आ जाएगी। टॉप पे चलो बेटे ये सवाल आ जाता है इसलिए मैंने दे दिया, ये टॉप का केस देखता हूं। मीन की तरफ होगा एक्सेलरेशन, सो एम जी माइनस एन टू इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, बस इसको एन टू को आप उसे डिवाइड कर दोगे तो रीडिंग निकल आएगी मशीन के द्वारा। फिर इसका बी पार्ट भी आ चुका है, दो पार्ट में आता है ये, लिख लो, फिर बी पार्ट भी आता है वो भी बताऊंगा।
लिख लिया हो तो बताना। इसका बी पार्ट, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड सच दैट कॉन्टैक्ट डज नॉट ब्रेक। Such that contact does not break. मतलब अब देखो contact कहाँ break होगा पहले तो ये check करें, bottom पर कि top पर। इसमें देखो यहाँ देखो मतलब किस जगह पे ऐसा है जहां contact break होने के chances है, यहाँ N2 पे ध्यान दो, ये N2 है नीचे, नहीं बेटा ऊपर, यहाँ पे तो जीरो होने का चांस ही नहीं है क्योंकि दोनों जुड़ रहे हैं टर्म, ये तो ऐड हो रहे हैं, यहाँ तो जीरो हो ही नहीं सकता। अगर कॉन्टैक्ट छूटेगा तो मीन के ऊपर की जगह पे छूटेगा क्योंकि यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हो रहा है। तो मुझे ये पता करना है कि क्या एम्पलीट्यूड या क्या फ्रीक्वेंसी, तो इसको जीरो से कंपेयर, एक्सट्रीम पे पहुंच गए, एम्पलीट्यूड पूछ रहा हूँ, एक्सट्रीम पे पहुंच गए, जीरो से कंपेयर किया तो ये एम्पलीट्यूड अगर होगा तो टॉप पे कॉन्टैक्ट ब्रेक हो जाएगा। लिख लो आगे जाएंगे अब। अर्थ मास एमी टनल, टनल बनाया डायमीटर के लॉन्ग, शुरू करो समझाना। चलो यहां से छोड़ दिया, फोर्स निकालूंगा, जी एम ई एम अपॉन आर ई क्यूब, ये फोर्स का फॉर्मूला था, नहीं याद होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, तो तुम ग्रेविटेशन जब पढ़ोगे तो याद आ जाएगा, इनटू स्मॉल एक्स ये भी रहता था, एफ एक्स के प्रोपोर्शन आ गया, ये तो फॉर्मूला ही है फील्ड इंटेंसिटी का है ना, देयरफॉर एस एच एम, इसको आप जी आर ई स्क्वायर भी लिख सकते हो,
ये 83.4 मिनट्स आता है, लिख लो फटाफट करके। लिख लिया तो बताइए। लिख लिया सर। अच्छा ये बेटा ध्यान रखिएगा, अगर टनल टनल होनी चाहिए, ऐसी टनल कैसी भी हो, टनल होनी चाहिए बस स्ट्रेट, ये हो सेम टाइम पीरियड। ध्यान रखना जरूरी नहीं है कि वो केवल डायगनल के उसके डायमीटर के अलोंग ही हो। क्यों नहीं हो रहा है? कंपाउंड पेंडुलम, ये ऐसी एक स्ट्रक्चर बॉडी है, ये एक्सिस है, इसको अगर आपने हल्का सा वो कर दिया तो ये ऑसिलेट करेगा। देखो कैसे आपने हल्का सा उसको वो करा, सपोज ये सेंटर ऑफ मास था पहले, अब ये एम जी, सेंटर ऑफ मास और इस लाइन के बीच की दूरी लेट से डी है, ये टॉर्क आया इसका, जो रोटेट कर रहा है, टॉर्क थीटा के प्रोपोर्शनल आ गया, देयरफॉर एसएचएम आई इनटू अल्फा, वेयर आई अबाउट एक्सिस और ये ओमेगा स्क्वायर थीटा। लिख लीजिए प्लीज, इसको बोलते हैं कंपाउंड पेंडुलम।
तुम्हें दे तो दी थी सुबह। हाँ लिख लिया बेटा? यस सर। अब मंडे को नहीं, अभी तो क्या है, फ्राइडे आएगा ना, फ्राइडे को मैं तुम्हें थोड़ा सा सिंपल हार्मोनिक बचा है वो और एरर्स पढ़ा देता हूँ, और एक चीज एरर्स भी करा दूंगा बेटा, एरर्स कराऊंगा।